कैसे आप लोग अच्छे ही होंगे और आप सभी को फिर से पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप एक चरण पार करके दूसरे चरण में आ गए हैं। और ऐसे भी साथी जिनका अभी विवादास्पद है रिजल्ट और जिन्हें ये लगता है कि वह अभी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उनके लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनके लिए भी शुभ घड़ी जल्दी आए और वो हिम्मत ना हारे, लगातार लगे रहें, क्योंकि मेहनत करने से जीत आपके झोले में जरूर आएगी। अगर आप थक हार के बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका लक्ष्य आपसे दूर चला जाएगा। इसलिए लगातार मेहनत करिए, प्रयासरत रहिए, हो सकता है कब बिल्ली के भाग से शिखर टूट जाए और दही की हांडी आपके हाथ में हो। इसलिए लगे रहिएगा, मनोबल मत तोड़िएगा और अपने जिस जुनून के साथ आप अभी तक लगे रहे उसी जुनून के साथ आगे भी लगे रहिएगा, आप जरूर किसी न किसी दिन इतिहास जरूर रचेंगे। तो फिर आगे बढ़ते हम लोग, एक समस्या सबके साथ आती है। कई लोगों ने कहा सर हमको याद नहीं होता, हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, इसके लिए क्या करें? आप तो कम पढ़ते हैं, इतना टाइम व्यस्त रहते हैं, फिर भी कोई चीज़ अथेंटिक पूरी तरह से बता लेते हैं, कैसे याद रहता है? तो फिर मैंने भी सोचा हाँ यार ये तो बड़ी अचरसी बात है, तो मैं आप सबको बता दूं कि कैसे याद होता है। याद करने के लिए मैं जो लॉजिक बताऊंगा उसको ध्यान समझिएगा, खुद ब खुद आपको पता चलेगा याद कैसे होगा। चलिए अब चलते हैं आपके दैनिक जीवन में, जहां से मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी चीज को याद कैसे करते हैं। दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक घर से लेकर बाजार तक जाते हैं, आपके सामने ढेरों गाड़ियां मिलती हैं, ढेर सारे बाइक मिलते हैं, ढेर सारे गाड़ियां मिलती है, ढेर सारे आदमी मिलते हैं। शाम को अगर मैं पूछूं कि किस किस गाड़ी को आपने देखा था, किस किस व्यक्ति का चेहरा देखा, क्या आपको याद होगा? नहीं याद होगा। क्यों? इसी का रीजन आपको पता चल जाएगा और पता चल जाएगा याद कैसे होती है। लेकिन अचानक आप मार्केट जा रहे हो, एक नीली साइकिल वाला आके पैर में ठोक दे, आपको चोट लग जाए, तो आपको याद हो जाएगा कि आज सुबह या दोपहर को आपको एक नीली साइकिल वाला मिला था। एक गाड़ी जा रही हो उसका ऊपर का बम्पर टूट गया हो और आप देखेंगे तो फिर सामने बताएंगे हाँ एक गाड़ी थी उसका ऊपर का बम्पर टूटा था। लेकिन यही अब ये बताइए ये कैसे याद हो गया और सुबह से कितनी गाड़ी देखी ये आपको याद नहीं हुआ। एक गाड़ी जा था उसकी हॉर्न इतनी तेज थी कि जैसे आप मुड़े देख लिए तो लड़का था जो बड़े बड़े बाल वाला चला रहा था, उसकी शक्ल और गाड़ी नंबर आपको याद रहती है लेकिन उसके पीछे कौन सी गाड़ी गई ये आपको याद नहीं थी। क्यों? इसका रीजन यही होता है हमारा दिमाग घटनाक्रम को ही याद करता है, ढेर सारी चीजें अनलीगल चीजें याद नहीं करता। वही गाड़ी अगर आपको धक्का मार दे या उस गाड़ी के साथ कोई ऐसी घटना घटे, ऐसा कुछ विवादास्पद हो या हास्यपूर्ण हो या दुर्भाग्यपूर्ण हो, वह चीजें हमारा दिमाग क्या करता है तुरंत याद कर लेता। अगर वो ऐसी नहीं हो फिर वो याद नहीं करता। उसी तरह हम लोग ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, कहते हैं कुछ याद नहीं हुआ, यही कारण है। तो याद करने के लिए हर चीज को हमें घटनाक्रम से जोड़ना होगा। आपको आपका नाम आपका पता याद होगा, कैसे? इतनी बार आपने बताया, हमने पूछा आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, मैंने घर कहाँ नहीं, आपने पूरा पता वाचे दिया कि मेरा पता यहाँ है। क्यों? क्योंकि वो चीजें ब्लड में घुस जाती है। इतनी बार क्या आपने गांव के किसी व्यक्ति का नाम याद किया? इस तरह आपने याद किया कि कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा था, कितनी बार याद किया, कब जाके याद? लेकिन क्या ये आपने याद किया कि आपके मित्र का नाम ये, आपके मित्र का नाम ये है, याद किया? फिर कैसे? इतनी बार हमने सुना, उनके साथ इतनी घटनाएं घटी, उनके साथ खेलने गए, मूवी देखने गए, मोबाइल में गाना भराने गए, शाम को वॉकिंग करने गए, क्रिकेट खेले, झगड़ा किए, उनके नाम और शक्ल आपको याद है। मैं कहूं मैं आपके घर जा रहा हूं, घर का दरवाजा कैसा है, घर का दरवाजा कैसा है, तुरंत पूरा डायग्राम पूरा अच्छी तरह सामने आ गया, इधर घुसना, इधर निकलना, इधर ये कुंडी है, बाहर खुलेगा अंदर, ये कैसे याद होता है? क्योंकि वक्त हमारे दिमाग घटनाओं को याद करता है और कलर को बड़ी जल्दी याद करता है, विचित्रता को जल्दी याद करता। तो आप विचित्र बनिए, सुबह से लेकर शाम तक जाइए और कह दिया आपको कौन कौन आदमी मिला था, आप नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन ये भिखारी मिला था, पैर कटा था और कहता हाँ वहां पे बैठा था, वो चीजें हमारे दिमाग क्या करेगा, तुरंत रिमाइंड करेगा, बताएगा हाँ वहां पे एक आदमी को मैंने देखा था, बेचारा भीख मांग रहा था, उसका पैर कटा था। बाकी आपसे 200 आदमी मिलेंगे, उनके शक्ल आपको नहीं याद है। क्लास में 400 लड़के बैठे हैं, अब एक कक्षा में एक लड़का बिना ड्रेस का आया है, सर ने उसे उठा दिया, अगर पूछे क्लास में कितने लड़के थे, क्या पहने, यहाँ एक लड़का था जो बिना ड्रेस का आया, तो तुरंत आपका दिमाग क्या करेगा, याद कर लेगा। इसीलिए आपको जब भी पढ़ना है, जब भी कोई चीज याद करना है, उसे घटनाक्रम से जोड़कर याद करेगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। और यह सबसे आसान सबसे फैक्ट तरीका है जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा भी सिद्ध हुआ है। हम इतनी याद करने की मत पढ़िए, इतनी बार पढ़ लीजिए कि रट गया। अब संविधान में वाचता हूं, घटना से जोड़ते जाइए, घटनाक्रम से जोड़ते जाइए। आपने कोई चीज पढ़ी नहीं याद हो रही, घटनाक्रम ट्रिक बनाइए, खाना बनाते समय, पढ़ते समय, हर तरह से इस तरह से बनाइए कि आप न चाहते हुए भी उस चीज को याद कर जा और एक बार पढ़ेंगे वास्तव में याद हो जाएगा। उसके लिए अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए, हमें याद नहीं होगा। हर चीज को मान लीजिए विचित्र है,
घट पड़ रहे यार, पता नहीं क्या आएगा। अरे यार इसका उत्तर 3/4, उसको इस तरह से हास्य व्यंग में पढ़िए कि वह न चाहते हुए भी आपको अन्य चीजों की तरह याद हो जाए। अभी मैं पूछूं मेरी कोचिंग कैसी, आप अगर नहीं है तो नहीं बता पाएंगे। आपका घर पूरी डिजाइन आप, आपके पापा का नाम क्या है, आपके पापा का चेहरा। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये हमारा जो दिमाग है इसकी कुछ विशेषताएं होती है। तो इसीलिए आपको अगर याद करना है कोई चीज, याद करने के लिए हमें घटनाक्रम से जोड़ना होगा, इसे आप ट्रिक विधि भी कहते हैं। उसे इस तरह से पढ़िए, ये खुद बनाइए कि हम इसे कैसे पढ़े, हमको उसे घटनाक्रम से जोड़ना। यहाँ ये हुआ, ये आजाद हुआ अमेरिका, फिर मेरा संविधान बना, या ये पृथ्वी गांधी सचना ऐसे हुई, मतलब एक कहानी अपने आप इससे स्प्रिट बनते चली जाएगी, आपका दिमाग खोज के देता चला जाएगा। ये हुआ फिर ये हुआ, फिर इस तरह से जो घटनाएं हुई वो लगातार क्या होगा, क्रमिक रूप से बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आपको किसी भी पाठ को, किसी भी चीज को याद करने के लिए एक घटनाक्रम बना के चलिए, और इसको जितना प्रताड़ित करेंगे वो उतना ज्यादा बेहतर परिणाम देगा। कहते हैं ये ऐसा बर्तन है इसे जितना मांजेंगे उतना चमकेगा, और मांजेंगे कैसे, इसे इतना ज्यादा ओवरलोड दीजिए, इतना पढ़िए कि वह खुद ब खुद याद करने के लिए मजबूर हो जाए। अपने दिमाग को ये बात बता दीजिए, सबसे यही कही हम एक बार पढ़ते हैं याद हो जाएंगे। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया, मैं बता रहा हूँ, उस दिन एक बार से दो बार पढ़ेंगे सर चीजें याद हो जाएंगी। बस ये करिए, मैं एक बार पढ़ूंगा याद हो जाएगा, बस इतना सोच लीजिए मैं एक बार पढ़ूंगा मुझे याद होना है, ये सोच के आप पढ़ के देखिएगा आज, और न याद होगा फिर हमसे कहेगा दुर्गेश सर आपने क्या कहा था। बस कुछ मत करिए, एक बार केवल एक बार पूरी किताब लीजिए और ये सोचिए पढ़िए इस बार मुझे एक ही बार में सारी चीज पढ़ना है, और पढ़ने के बाद किताब बंद करके सोचिए मैंने क्या पढ़ा था, पता चला अरे नहीं अमेरिका का संविधान 1776 में नहीं 1779 में था, जैसे कंफ्यूजन हुआ तुरंत किताब खोल के आपने देख लिया, और जैसे देख लिया पूरे लाइफ टाइम वो चीजें नहीं भूलेंगे। सो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद सोचते रहेंगे कि मैंने पढ़ा था ये चीज, तो पूरा कंसर्ट बाई कंसर्ट चलता रहेगा। जितनी बातें आपको दिमाग में आ गई उतनी बातें आपको याद हो गई, जैसे जो चीज नहीं आई किताब खोलिए देख लीजिए अरे हाँ याद तो ये था, बस बंद करिए किताब, फिर हमेशा के लिए याद हो गया क्योंकि घटना क्रम बन गया। तो हमारा दिमाग घटना क्रम को याद करता है। दूसरी चीज, हमारा दिमाग कलर को बहुत जल्दी याद करता है। कलर याद करने के लिए क्या करना होगा, मैंने क्या किया, जैसे कि जैसे आप लोग को अगर मेरी कोचिंग में आया तो मैं नोट्स कोई किताब खरीदी नहीं है, मैं सब कुछ आपको दूंगा, न कलम लेनी न कॉपी लेनी, हाँ जिसे गणित वगैरह लगानी उसके लिए लेनी है, बाकी के लिए कुछ मत लीजिए। मैंने क्या किया, मैं आया लेक्चर दिया, जैसे मुझे पढ़ाना था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ मैंने पढ़ा दिया, कल वोल्केनो पढ़ाना है अर्थक्वेक, मैंने कल भूकंप पढ़ाना है ज्वालामुखी, मैं आऊंगा क्लास में पूरी ज्वालामुखी पूरी भूकंप का पहले लेक्चर दे दिया, आपने सुन लिया पूरी मूवी की बात, आपके दिमाग में स्क्रिप्ट बन गया। अब मेरी नोट्स जब देखेंगे सारी चीजें पढ़ेंगे हाँ ये तो सर बता दे भूकंप, तो अपने आप जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे मेरे व्हाइट बोर्ड का बना चित्र आपके दिमाग में पूरा छपता चला जाएगा, वो चीजें याद। फिर उसके बाद मैं उसका प्रश्नोत्तर दूंगा आपको, 8000 प्रश्नों का मैंने बताया ना आपको, लगभग 8000 प्रश्न बहुविकल्पी मैं आपको दूंगा जीएस के, जो इसमें से 40 नंबर का कोर्स है 70 नंबर का, तो उससे क्या होगा आपका फायदा, इससे क्या होगा कि वह जब क्वेश्चन लगाएंगे कंफ्यूजन अगर होगा इस सर ऐसे ऐसे बताता, अगर आपका वहां क्वेश्चन गलत हो गया 8000 क्वेश्चन में, अगर आपने विकल्प से मिला लिया तो क्वेश्चन जिंदगी में दोबारा गलत नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन किसी परीक्षा में गलत कर लेते हैं दोबारा आप जब भी भरेंगे, इससे अगर ओएमआर में आपका इस बार नाम गलत हो गया साइन हुआ, अगली बार आप खुद ब खुद ओएमआर 10 बार चेक करेंगे। यह साइकोलॉजी इफेक्ट है, इसे कहा जाता है दूध की जली बिल्ली भी मट्टा फूक फूक के पीती है, यह हमारा दिमाग। तो हम 8000 क्वेश्चन इसलिए नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आपसे मेरी कोई दुश्मनी है, ये 40 दिन को खत्म करना इसलिए दे रहे हैं, आप इसमें इतनी गलतियां करें ताकि इतनी गलतियां सुधार हो जाए कि आप अगर क्वेश्चन सशब्द आपको हट जाए। मान लीजिए आपने क्वेश्चन लगा पृथ्वी को नहीं लग रहा कहते, 4 ऑप्शन दिया, गलती से क्वेश्चन गलत हो गया, जब उन्हें विकल्प मिलाया अरे यार विकल्प तो ये था, 2 लोग हैं, अरे यार मैंने गलती से रख दिया, नहीं यार ये होता आपको पूछना चाहिए था, अब वो बात पूरी जिंदगी आपको याद रहेगी। जब ये प्रश्न आएगा अरे तो मैं 1 साल में किया था, इसका उत्तर तो ये होगा, तब आपको पूरा प्रश्न में 4 विकल्प नहीं नजर आएंगे, उसका उत्तर कहाँ है, बी है, सी है, डी है, आप उत्तर खोजेंगे पूरा विकल्प नहीं खोजेंगे। पहले क्या होता है विकल्प होगा, नहीं बी हो सकता, नहीं सी हो सकता, लेकिन यहाँ क्या होता अरे नहीं है तो यही तो विकल्प ही है, इसे कहा जाता है कॉन्फिडेंस, लेकिन आपकी भाषा में कहेंगे ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन इसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस। मनुष्य अपनी गलतियों से सीखता है और हमारा दिमाग उसी बात को याद करता है। आप जा रहे पैर में कांटा धर गया, अरे 10 बजे तक कांटा है, यही दिमाग हमारा याद करता है, इसीलिए आप गलतियां करें। मैं 8000 क्वेश्चन इसीलिए दे रहा हूं आप सभी को, सभी कोचिंग वाले पढ़ा रहे नो डाउट, सब बेहतर पढ़ाते हैं, लेकिन बेहतर परिणाम पढ़ाना नहीं होता, मैं पढ़ाया पढ़ा के चला गया, मुझे इस बात को भी देखना है कि जितना मैं पढ़ाऊं उतना आपका तैयार हो, तभी जाके यही मेहनत परिणाम में बदलता है। मैंने कहा था आप मुझे अपनी जिंदगी का 10 घंटा 40 दिन का 4000 घंटा दीजिए, सॉरी 400 घंटा, 40 गुणे 10
मुझे अपने जिंदगी का 400 घंटा दीजिए, पूरी जिंदगी आपके कदम चुमेगी। 1 तारीख को मोबाइल में 40,000 का मैसेज आ जाएगा। अगर आप मुझे 40 दिन का 400 घंटा देते हैं तो मैं इस बात का दावा करता हूं कि 1 तारीख के मोबाइल आपको मैसेज आ जाया करेगा, योर अकाउंट क्रेडिट पे है 40,000 रुपीज। हर 1 तारीख को आपके मोबाइल में 40,000 रुपया सरकार भेजेगी, और मतलब 1 दिन का 1300 रुपया आप कितना मिलेगा, 1 दिन का 1300 रुपया। सोचिए संडे का भी 1300 रुपया, छुट्टी मारी तबीयत खराब है तब भी 1300 रुपया। अगर दुकान है, अगर दुकान नहीं लगाएंगे कोई पैसा नहीं देगा। अगर आपको 10 रुपया जरूरत होगी कोई मांगेंगे या तो देगा 200 रुपए पे, या तो आपके ऊपर एहसान करेगा या तो कभी कुछ दिन बाद दे दीजिएगा, लेकिन ये छोड़ेगा नहीं। लेकिन सरकार अगर आपने छुट्टी ले ली 13 CL तब भी आपको 1300 रुपया फिक्स। संडे है 1300 रुपया फिक्स। शीतलहरी है 2 महीने की फिक्स, 2 महीने छुट्टी है गर्मी की 40,000 फिक्स। ठंडी पड़ रहा है, बाला पड़ रहा है, बरसात पड़ रहा है फिक्स। लेकिन अगर दुकान पे आपके ग्राहक आ गए 9 बजे रात तक तो 9 बजे तक सामान देंगे, यहाँ 3 बज गया स्कूल बंद, 8 बजे तो 8 बजे जाएंगे, लेकिन दुकान पे भैया 6 बजे को सामान चाहिए, दुकान खोल के 6 बजे दुकान खोल देते हैं, लेकिन यहाँ टाइम टू टाइम। तो इसलिए यह जॉब बेहतर है, लेकिन उसके लिए इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप 40,000 पर मंथ पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, 10 घंटे 40 दिन 400 घंटे जिंदगी मुझे दीजिए, आपके मैं दावा करता हूं कि आप 40,000 रुपए हर मंथ निकालेंगे, और फिर आप कहेंगे वास्तव में आपने वो कर दिखाया जिसके लिए आप लगातार मेहनत कर रहे थे और आपके अंदर काबिलियत है। बस अपने आप को परखिए, अगर आप परख लेते अपने आप को तो आप जरूर इतिहास रचेंगे। और इसलिए आप सब किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन शुरू कर दीजिए, कि अब समय नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरे वहां इतना पैसा ले रहे हैं, वहां इतना पैसा ले रहे हैं। अरे यार आप पढ़े लिखे हो, ये समझिए कि यार 10 रुपए 200 रुपए साग भाजी खरीदने जा रहे हो, आपके कैरियर का सवाल है, और पैसा देख रहे हो वहां 1200 ले रहे हैं, वहां 1500 ले रहे हैं, वहां 3000 पढ़ा रहे हैं। अरे यार तो बारिश का मतलब आप पढ़ने वाले नहीं, बार्गेनिंग करने वाले हैं, और आपको सफल होना है तो वह देखिए जहां आपको सब कुछ बेहतर मिलता है, कहीं पढ़िए। और सब बेहतर पढ़ाते हैं, हर टीचर बेहतर पढ़ाता है, लेकिन मामला ये होता है कि कहां सारे सब्जेक्ट सबसे ज्यादा बेहतर चलते हैं, कौन परिणाम देता है। मैं 4 घंटे पढ़ा के छोड़ दिया उससे कोई मतलब नहीं, मुझे इतना पढ़ाना है कि 10 घंटे खुद पढ़े, आपको रात को नींद नहीं आए तब मुझे लगेगा तब मैंने पढ़ाया। अगर मैं 4 घंटे पढ़ाऊं और 14 घंटे घर पे पढ़े, कहें 14 4 18 घंटे और बाकी 6 घंटे में सब कुछ करें, तब समझ में आएगा कि मैंने पढ़ाया और आपने पढ़ा। और ये आप करेंगे मुझे पता है, क्योंकि 40,000 3 तारीख 40,000 न उधार न कर्ज कुछ नहीं, मतलब गवर्नमेंट आपको दे देगी। और उसी तरह आप लोग बेहतर ईमानदारी से पढ़िएगा, इससे बेहतर कोई नौकरी नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत 40 दिन करनी है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से मेरी क्लासेस शुरू है, और ये भी मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरे प्रदेश की सबसे बेहतर टीम मेरे पास है, और वही और सबसे ज्यादा सबके पास अनुभव है। वो लगातार सीटेट यूपीटेट लिखित परीक्षाएं पढ़ाते थे, औरों की तरह नहीं, कभी IAS बनाते थे, कभी PCS बनाते थे, कभी पुलिस बनाते थे, वो आज जब लिखित परीक्षा आ गया तो लिखित परीक्षा के बड़े बड़े बैनर लगाते हैं। अरे जाके पहले सिलेबस देखें, अपना अनुभव देखें। अब एक तैराक से या जगह हम मेरा घर नदी के नजदीक है, मैं आज तक तैरना नहीं सीखा, अब मैं तो कह सकता हूँ ना मैं तैरना जानता हूँ, लोग विश्वास करेंगे क्योंकि मैं नदी के किनारे हूँ, जबकि वास्तविकता है मैं उस क्षेत्र के बारे में नहीं गया हूँ, मैं नदी में कभी नहीं उतरा हूँ, मैं नदी में नहीं तैर सकता। कोचिंग वाले क्या करते, वही करते हैं, उन्हें पता नहीं कभी, लेकिन लिखित परीक्षा आ गया बैनर लग गया, टेट आ गया टेट का बैनर, बेशक उनके पास था टीचर और उनके पास एबिलिटी हो, फिर भी वही तरह है कि नदी में उतरने के बाद ही आप तैरना सीखते हैं। खड़े खड़े देखने से कोई नदी पार नहीं कर जाता, लेकिन हम आप क्या करें, हमारी मजबूरियां हैं, नजदीक मिला तुरंत हम जा लेते हैं, सोचते हैं वहाँ 500 रुपया कम है, वहाँ 300 रुपया सस्ता है, उसे ज्वाइन कर लेते हैं और मेहनत से पढ़ते भी है, और परिणाम क्या होता है आप सब बेहतर जानते हैं। इसलिए अभी भी आपके पास समय है, किसी भी किसी के पास जाइए, आपके पास 2 से 3 दिन है, एनालिसिस करके लीजिए, और अगर एनालिसिस के बाद आपको लगता है वो बेहतर है तो जुड़ जाइए, अन्यथा अभी भी आपके पास समय है, आप सेल्फ स्टडी करिए, मैं पूरा स्टडी मैटर आपको उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन अपना समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि ये आपका समय बहुत ही अनमोल और अमूल्य है, एक एक सेकेंड आपका कीमती है, एक सेकेंड भी आप इधर से उधर मत गवाइए, क्योंकि आप लोग अभी अगर मेहनत नहीं करेंगे परीक्षा का प्रेशर बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात, अगर 3 लाख लड़के पास होते हैं 1 लाख पहले ही, 4,68,500 सीट है, इस बार बंदे छन के आ रहे हैं यूपीटेट से, और आपको पता है कि कितने लोग क्वालिफाई होंगे, 1.5 लाख लड़के अगर क्वालिफाई हुए 1 सीट पे 3 तब मेरिट बनेगी। इसलिए इस बार 82 और 90 नहीं लाना, इस बार इतिहास रचना है, और इतिहास नहीं रचेंगे सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ये सपना छोड़ दीजिए। 82 हो गया हो जाएंगे, 90 हो गया पास तो है ना, नंबर्स क्या मतलब, लेकिन
फिर मैं बताना चाहूंगा इस बार 90 नंबर ही वैल्यू रखेगा, क्योंकि इस बार आप खुद सोचिए आपने कितनी मेहनत की है यूपीटेट के लिए, क्वालिफाई हुए फिर मेहनत कर रहे हैं, मतलब आप अपने आप में खुद यूनिक है। और जब आप इतना मेहनत कर रहे हैं आपके साथ 4 लाख इस तरह लगे हैं और 600 तो लगभग मेरे पास होंगे, 600 जब अपनी औकात लगा देंगे तो उनकी 600 से रिजर्व, आप उनसे रेस में आगे जाना है। और रेस में आगे जाने के लिए अगर 10 घंटा पढ़ रहे हैं आपको 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा, अन्यथा सिलेक्शन नहीं होगा। सब पढ़ रहे हैं, ये मत सोचिए, इस गुमराह में मत रहिए कि केवल आप पढ़ रहे हैं, पूरा प्रदेश पढ़ रहा है, बेशक राह सही हो या नहीं हो सब पढ़ रहे हैं, और सही राह पे सही चीजें फैक्ट जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा, अन्यथा ये भर्ती फिर सामने चली जाएगी और हाथ में हाथ रखे रहेंगे। अभी भी समय है, आप लोग तैयार हो जाइए पूरी तरह से, मेरी सारी बैचेस स्टार्ट हो गई हैं, और भी किसी कोचिंग में जाइए, चाहे जहां जाइए पहले उसके एनालिसिस करिए, उनके बारे में पूछिए, बच्चों से पूछिए क्या पढ़ाते थे कैसे पढ़ाते थे, उनकी वीडियोस देख लीजिए कि वो एक क्वेश्चन बताने के लिए 3 बार 4 बार हाँ हेलो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मतलब एक क्वेश्चन बताने के लिए आधे घंटे लेते थे, फिर IFSC बनाने वाले आपको यूपीटेट पास करा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत बड़ी बात नहीं होती, वास्तविकता ये होती है, जमीन पटल पर लाइए। मेरे पास जो आते हैं ना, जो हमें पढ़ाता हूँ, ये पूरी तरह से गुरुकुल है, ये बहुत बड़ा एसी रूम नहीं है, पूरे टीन लगा हुआ है, ऊपर ऊपर कुछ कौवा भी आता है ना आवाज आती है, तो मैं उस लायक हूँ, मैं वहां की बातें करूंगा, और इसलिए मैं खुद एक प्रशिक्षु हूँ, मैं खुद आपके साथ परीक्षा दूंगा, इसलिए मैं हर एक बात समझता हूँ, इसलिए मैं आपको राह दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा वो हूँ, मुझे चलानी है कोचिंग, ऐसा कुछ नहीं है। अरे 200 लड़के में तो पूरी कोचिंग भर जाएगी, मुझे संख्या नहीं चाहिए, बस मुझे सिलेक्शन चाहिए। आप चाहे जहाँ पढ़िए ईमानदारी से पढ़िए, अगर आप कोचिंग वाले हैं तो आप भी सुन लीजिए, किसी बच्चे के भविष्य खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि आप चंद पैसों के नाते अगर किसी के साथ खिलवाड़ करते हैं उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि मुझे पता आप सब देखते हैं, वीडियो लाइक करते हैं तुरंत, आप जैसे वीडियो जाता है 10 से 5 मिनट बाद तुरंत लाइक आ जाता है, मुझे पता है। आप करिए, बेशक कुछ भी करिए, कैसे भी कमेंट लिखिए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, कम से कम आप देखते तो हैं, आपके अंदर ये जागता तो होगा कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। तो इसलिए आप अपने दिल पे हाथ रखिएगा, अगर आप एक अध्यापक हैं, क्या आप बच्चों को जो पढ़ा रहे क्या वो सही है, क्योंकि ये उनके जिंदगी का सवाल है, इसलिए आप उनके साथ 40 दिन मजाक मत करिएगा। और अगर आपने ठीका जिम्मा ले लिया पढ़ाने का, पूरी दुगने लगन और मेहनत के साथ उन्हें हर एक चीज उपलब्ध कराइएगा, क्योंकि एक गलती आपकी किसी की पूरी जिंदगी से घर बर्बाद कर सकता है। इसलिए आप से मेरा विनम्र निवेदन है, आप मुझे गाली दीजिएगा और लाइक करिएगा, कुछ भी करिएगा, लेकिन आप एक अध्यापक होने के नाते एक बात का ध्यान दीजिएगा, आप भी अपनी जिंदगी का बेस्ट दीजिएगा। प्रत्येक अगर अभ्यर्थी आपके यहाँ लिखित परीक्षा का एडमिशन ले लिया है तो ईमानदारी से पढ़िएगा, अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, हो सकता है मैं आपसे कम जानता हूँ, कम जानकार हूँ, क्वालिफिकेशन भी कम हूँ, लेकिन मेरा इस क्षेत्र में लगातार अनुभव रहा है, हो सकता है मैं इस बारे में बेहतर आपसे हो सकता है जान सकता हूँ, लेकिन यह कहना घमंड की बात है, लेकिन मैं जानता हूँ मुझसे बेहतर है, बेहतर पढ़ाएंगे, लेकिन ईमानदारी से पढ़ाइएगा, क्योंकि आप खुद जानते हैं ईमानदारी क्या है। 18 सब्जेक्ट है, इसलिए बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करिएगा। 40 दिन बच्चे हैं, मतलब 45 दिन 31 के बाद बच्चा घर से पढ़ते हैं, तो 40 दिन बच्चे हैं, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ मत करिएगा। आप एक घर बसा सकते हैं, एक नहीं, अगर आपके साथ 100 लड़के पढ़ रहे हैं तो 100 घर की जिम्मेदारी आपके पास है, आप 100 घर बसा सकते हैं, 100 घर उजाड़ सकते हैं, और एक घर बसने से 5 घर और बसते हैं, आने वाली 2 पीढ़ियों सुधर जाती है। सर एक सफाई कर्मी में हो जाता है ना, उसका लड़का गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, फिर वो जाके कहीं ना कहीं फिर जॉब पाता है, अगर वो जॉब नहीं पाता लड़का प्राइमरी बनने के बाद वो भी क्या बनेगा, हमारी तरह आपकी तरह किसी निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ाया गया मजदूरी करेगा। तो एक नौकरी एक जिंदगी से आप कई घर बसाते हैं, इसलिए अगर आप एक अध्यापक है इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, 18 सब्जेक्ट है, इसलिए किसी के भविष्य मत खिलवाड़ करिएगा। और फिर भी आप समझदार है, हो सकता है कुछ लोग कहेंगे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ये है वो, तरह तरह के लोग कमेंट करते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, क्योंकि आदमी वही करता है उसके पास जितना विवेक होता है। अभी अभी पढ़ा होगा अपने मानव विज्ञान में कि विवेक जो मनुष्य के जो होते हैं, कुछ चीजें जन्म से प्राप्त होती है, कुछ परिवार से प्राप्त, कुछ के वातावरण से प्राप्त होती, हो सकता है ऐसी कुर्तियां आपके परिवार से मिली हो, कि फिर भी मैं आपका स्वागत करता हूं। आप वही लोग ऐसे हैं जो मुझे सही दिशा निर्देशित करने के लिए प्रेरित करते हैं, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और फिर लाइक करिएगा वीडियो को, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा, हो सकता है ये मेरा वीडियो किसी घर बना दे, और आपको 40,000 ध्यान दीजिएगा, 40,000 3 तारीख पेमेंट आपको सफल होना है। फिर भी आप सभी को फिर ढेरों शुभकामनाएं, लगे रहिएगा, किसी प्रकार की समस्या होगी मैं सदैव आपके साथ हूँ, पढ़िए लगे रहिए, विजय रथ को मत रुकेगा, हमारा रथ 6 जनवरी के संध्या काल रुकेगा, और हम उसी दिन मनाएंगे अपनी दिवाली, अपनी ईद और अपनी होली, और उसी के बाद बजेगा डंका। आप सब इस बार जुलाई से इस नए सत्र से पहले से ही आप सब प्राथमिक अध्यापक हो जाएंगे, फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे, और फिर हम भी कभी कभी आप सबके विद्यालय में आएंगे, पहचानेगा तो ठीक है, नहीं पहचाने कोई बात नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप भी ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाइएगा और उन बच्चों को भी पढ़ाइएगा जो आपके विद्यालय में होंगे। फिर भी आप सभी मेहनत से पढ़िए, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आज मेरा 40वां दिन है, कल मैं 39वां दिन
इसी तरह मैं एक ही दिन कम करके अपनी वीडियो अपडेट करता रहूंगा। आज मेरी क्लासेस पूरी चली हैं, कल भी चलेंगी, रेगुलर चलते रहेंगी। 3 बैचेज हैं जौनपुर में, टीडी काले गेट के पास आइएगा, वहां किसी से पूछ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। फिर भी आप सभी मुझसे बेहतर जानते हैं और बेहतर जगह पढ़ते भी होंगे। और इसी के साथ आपको पुनः ढेरों शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।